हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग तो क्लास इलेवन में हमने उस वक्त डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल मोशन तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमने उस मोशन को कहा था जिसमें हम क्या देंगे सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी देंगे जिसके बाद बॉडी को जो एयर में हम या अंडर ग्रेविटी में इसको एलो करेंगे फॉल होने के लिए इस तरह से लिखा वेन ए बॉडी इज गिवन सम इनिशियल वेलॉसिटी हमने सिर्फ इनिशियल वेलॉसिटी देना है एंड देन एलोवेट टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एलोन इस स्काल इसको आप लोगों ने क्या कहा था प्रोजेक्टाइल जैसे कि आपका बॉम्ब रिलीज कर रहा है एरोप्लेन से ब्लड जो है शूट कर रहा है किसी गन से ठीक है ना जो आपका पाथ जो है फॉलो कर रहा है प्रोजेक्टाइल ठीक है ना उसको इसका क्या कहेंगे पाथ को आप लोग ट्रेजेक्ट्री नाम देंगे ट्रेजेक्ट्री आपका पाथ ही होता है ठीक है ना द बॉडी इज नॉट बींग प्रोपेड बाय अनी ठीक है ना द मोशन इज नॉन एज प्रोजेक्टाइल मोशन कोई भी जो है बॉडी को आप लोग जो है प्रोजेक्ट करोगे ना तो इसको आगे आप लोग जो है किसी फ्यूल के जरिए इसको आगे आगे नहीं धकेलोगे जैसे कि आप एक पत्थर फेंक रहे हो तो पत्थर क्या कर जाएगा आपका जो है किसी जो है टाइम के बाद ये वापस आएगा उस मोशन को आप क्या कहेंगे प्रोजेक्टाइल जैसे कि एरोप्लेन मूव कर रहा है तो एरोप्लेन कैसे मूव कर रहा है वो तो एक फ्यूल की वजह से मूव कर रहा है उसको आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहेंगे ठीक है ना यहाँ पर लिखा है कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसको आप लोग जो है प्रॉपर नहीं करेंगे किसकी वजह से फ्यूल की वजह से ठीक है ना इस मोशन को आप लोग क्या कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे ठीक है ना जैसे कि आप लोगों का कोई ऑब्जेक्ट जो इसको आप लोग प्रोजेक्ट करोगे लेकिन कोई फ्यूल के जरिए नहीं चलेगा वो अपने आप जो है ग्रेविटी में फॉल करेगा किसकी वजह से उसी इनिशियल वेलोसिटी की वजह से जिसमें इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों ने पहले दिया है उसकी वजह से मूव करेगा इसको आप लोग क्या कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन तो टाइस में हमने कहा था हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल वो प्रोजेक्टाइल था जहां पर किसी बॉडी को हम जो है हॉरिजेंटल वेलोसिटी देंगे पैरेलल टू द ग्राउंड देंगे लेकिन किसी हाइट से उस प्रोजेक्टाइल को आप क्या कहेंगे हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल कहेंगे

तो अब लोगों का क्वेश्चन इस तरह से आएगा शो दैट द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला अब लोगों का जो है पाथ जो है प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा वो आपका पैराबोला कैसे है अब देखो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है इसको मैंने थ्रो किया हॉरिजेंटली जो है कहां से पॉइंट ओ से पॉइंट ओ किस हाइट पर है हाइट एच पर है ग्राउंड से ठीक है ना और इसका इनिशियल वेलोसिटी हम दे रहा है यू इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है पैरेलल टू द ग्राउंड ऐसे वेलोसिटी दे रहा है द पॉइंट ओ इज एट सर्टन हाइट जैसे कि आपका एच लिखा था ना सर्टेन हाइट ठीक है यू एक्स इज इक्वल टू यू थीटा एंड यू वाई इज इक्वल टू जीरो ठीक अगर यूएक्स की बात मानेंगे तो ये यू थीटा है क्योंकि हॉरिजेंटल वाला हमेशा यू थीटा होता है तो यू का वैल्यू आप यू थीटा को आप लोग लिख सकते हैं यू लिख सकते हैं क्योंकि आप लोगों का एंगल जो है जेरो डिग्री है कॉस किसके बराबर होगा वन के बराबर होगा इसीलिए आप लोग क्या कहेंगे यू कहेंगे यू आई आपका जीरो है इनिशियल वेलोसिटी आपका वर्टिकल में बिल्कुल जेरो है इनिशियली आप लोग बॉडी को कैसे दे रहा है हॉरिजेंटल ही फेंक रहा है तो इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों का यू जो है वो एक्जेक्ट सीज में है और इनिशियल वेलोसिटी आप वाई में कुछ नहीं दे रहे वही में बाद में ग्रेविटी की वजह से आएगा लेकिन इनिशियली ये ऐसे मूव कर रहा है देखो यहां पर तो इनिशियली कोई नीचे की तरफ नहीं आ रहा ना तो इनिशियल जो है वेलोसिटी आप लोगों का क्या है जीरो है कौन सा मतलब जो है आप लोगों का वर्टिकल हॉरिजेंटल आपका यू है ठीक सिंस इट इज फॉल अंडर द ग्रेविटी तो ये जो है किसकी वजह से फॉल कर रहा है ग्रेविटी की वजह से इसीलिए ए वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका जी और ए एक्स का वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि कल बोला था इससे पहले वाले वीडियो में जो आप लोगों का प्रोजेक्टाइल मूव करेगा दो वेलोसिटी की वजह से एक आप लोगों का होगा हॉरिजेंटल वेलोसिटी दूसरा होगा वर्टिकल वेलोसिटी अगर आपका एयर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करेंगे तो आप लोगों का वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगा किसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से और हॉरिजेंटल हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा जब हॉरिजेंटल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगा तो चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन ए एक्स वेलोसिटी एलो एक्स एक्सिस आप लोगों का जो है एक्सेलरेशन एलो एक्स आपका जीरो हो जाएगा बिकॉज

पॉइंट 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 को मैं नाम दूंगा पी अब इस पॉइंट पी पर आने के लिए बॉडी को कितना टाइम लग रहा है टाइम लग रहा है एक्स सॉरी टाइम लग रहा है टी तो कितना डिस्टेंस कवर कवर रहा है कर रहा? कर रहा है हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर कर रहा है एक्स तो यहां पर ये यह लिखा आफ्टर सम टाइम तो बॉडी जो है एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो एक्स का वैल्यू क्या होगा एक्स इज इक्वल टू यू एक्सटी प्लस हाट टी उसका तो मीन ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा है एस क्या था वहां पर डिस्टेंस लेकिन यहां पर एस की जगह पर आप लोग लिखेंगे एक्स ऑरिजेंटल डिस्टेंस है यू एक्स मीन्स इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्स वन बाई टू टू कॉनस ए मीन्स ए एक्स एक्सलेशन एलो एक्स एक्सिस टी स्क्स टाइम का स्क्र वो फॉर्मूला आ जा जाएगा जा 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 आपका इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सोकॉल टू यहां पर क्या आएगा यूटी आएगा क्योंकि एक्स का वैल्यू तो हमने पहले जीरो पुट कर दिया था क्योंकि एक्सेलरेशन अलाउ एक्स नहीं है तो यहां पर यह सारा क्या हो जाएगा जीरो तो मीन्स टी का वैल्यू क्या बनेगा एक्स डिवाइडेड बाई यू इसको आप लोग लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन अब हम देखते हैं वर्टिकल कंपोनेट वर्टिकल जो है डिस्टेंस कवर करेगा जैसे कि हरिजेंटल तो मैंने क्या नाम दिया इसको एक्स तो बॉडी तो यहां से फेंका था ना तो यहां से यहां जो है वर्टिकल को मैं क्या लिखूंगा वाई तो वाई इज इक्वल टू यूवाई टी प्लस हाफ ऑफ एवाई टी स्क्र वाई का वैल्यू क्या होगा यू आई टी प्लस हाफ ऑफ एवाई टी स्क्र ई का वैल्यू हो जाएगा जेरो प्लस हाफ ऑफ ए वाई का वैल्यू आप लोग लिखेंगे जी एक्सेलरेशन अलोंग एक्स वाई एक्सीज आप लोगों का क्या बनेगा जी ठीक है ना किसकी वजह से होगा ग्रेविटी की वजह से बाकी यहाँ पर टी है ना ये वाला तो वाई इज इक्वल टू यू आई का वैल्यू क्या था वहां पर जीरो था ना आप लोगों का जो है इनिशियल वेलोसिटी किस एक्सिस में दे रहा है एक्स एक्सिस में तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्सिस आपका जीरो है तो यहां पर वन बाय टू एक्सलरेशन जो ए वाई होगा वो जी होगा जी टी लोग सेकंड मानेंगे सब कर देंगे आप किस को टी के वैल्यू को आप लोग सेकेंड में फर्स्ट से फर्स्ट का जो टी का वैल्यू आ गया वो सेकंड में वन बाय टू जी टी स्क्र मीन एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई यू स्क्र तो यहां से इसको पुट कर देना ठीक y इज इक्वल टू इसको आप लोग क्या मानेंगे कॉन्स्टेंट मानेंगे किसको को वन बाय टू तो कॉन्स्टेंट जी भी कॉन्स्टेंट है नाइन पॉइंट एट और u इनिशियल वेलोसिटी जो है आपका u है वेलोसिटी ही है आपका तो ये हमेशा क्या रहेगा यूनिफॉर्म रहेगा तो कॉन्स्टेंट रहेगा ये भी कॉन्स्टेंट होगा y इज इक्वल टू के एक्स तो के वैल्यू यहां पर पुट कर दिया वन बाय टू जी डिवाइडेड बाई यू तो y इज प्रपोजनल टू एक्स स्क्र तो इसको आप लोग क्या कहेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला बोला कहता है ठीक है ना यही प्रूव करना है तो यहां पर इस तरह से कंक्लूजन लिख सकता है रिजल्ट दस ए बॉडी थ्रोन हॉरिजेंटल फ्रॉम सर्टन हाइट द ग्राउंड पैराबोलिक पाथ टिल इट हिट द ग्राउंड तो यहां से जो रिजल्ट आएगा तो आप लोगों का जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लोग थ्रो करेंगे किसी सर्टन हाइट से ग्राउंड से तो वहां पर जो पाथ फॉलो करेगा उस पाथ को आप लोग क्या कहेंगे पैराबोलिक पाथ कहेंगे कब तक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेंगे जब तक तो ये किसके साथ ग्राउंड के साथ, साथ हिट ना किया जाए तब तक तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेंगे पैराबोलिक पाथ इस पाथ को कहेंगे ये वाले पाथ जैसे कि आपका आप लोग ग्राफ्स करते हो ना जैसे कि आप लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स ये आपका एक ग्राफ है अगर इसको आप लोग ग्राफ मानेंगे तो ग्राफ कैसे बनाएंगे आप लोग इसको आप लोग लिखते हैं y और इसको आप लोग लिखते हैं x तो x और y का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन है इसको आप लोग क्या कहेंगे स्ट्रेट लाइन अगर मेरा इक्वेशन ये होगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क् होगा या कि स्क्र होगा कि आप लोगों का कॉन्स्टेंट है तो अगर इसमें आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो आप लोगों का ग्राफ कैसे बनेगा ये आप लोगों का वाई है ये एक्स है तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा देखो आपका ये जीरो होगा ये भी जीरो ये वन होगा ये भी वन जब ये टू कर देंगे ना ये फोर हो जाएगा जब ये थ्री कर देंगे ये नाइन हो जाएगा तो एक्स जो है आप लोगों का अगर धीरे धीरे बढ़ेगा तो वाई तो एकदम से बढ़ने लग जाएगा तो आपका ग्राफ क्या हो जाएगा ऐसे मूव करने लग जाएगा इस ग्राफ को आप लोग क्या कहेंगे पैराबोला कहेंगे ठीक है ना तो ये तो मुझे प्रूव करना था वाइज टू तो एक्सर तो इस इक्वेशन को मतलब जो है हम बता सकते हैं ये कौन सा इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये सेम ही आपका वहां पर आप लोगों का जो है बॉडी कहां से हिट कर रहे थे आप लोगों का ये था ओरिजिन यहां से ऐसे आ रहा था यहां पर ओरिजिन को मैंने ये माना तो ये ऐसे जाएगा तो मीज अगर इस ग्राफ को पलटा देंगे तो यही होगा तो इसीलिए ये ऑरिजन था यहां पर ओरिजन ये है ठीक है ना तो इसीलिए आप लोग लिख सकते हैं यहां पर जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ आपका है पैराबोला क्योंकि मैंने पैराबोलिक इक्वेशन को डिराइव किया तो इसीलिए लिख सकता है पाथ फॉलो इट बाय द प्रोजेक्टाइल जो है प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर रहा है उस पाथ को आप लोग क्या कहेंगे पैराबोलिक पाथ कहेंगे या आप लोग सिंपली लिख सकता है पैराबोला ठीक है तो ये शो करना था ठीक, इसके बाद हम जो है अगली वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स आपके जो है बॉडी को वहां से जहां पर मैंने स्टार्ट किया था ना वहां से ग्राउंड तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा इसको आप लोग क्या कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम देखते हैं आगे वाले वीडियो में कितना आता है टाइम ऑफ फ्लाइट ओके देन थैंक